Hello students, today we are going to learn for class 8 English NCERT chapter number 1, the best Christmas present in the world. This is our part 2. Part 1 link I will be uploading in the description of this video. So you come to this part after going to the part 1. See, in the part 1 we have seen that here they had described regarding the World War I, which was taken place between British and Germans in 1914. उसके बारे में यहाँ पे हमें बात करी गई है. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं माइकल मॉरपुर्गो, वो एक ब्रिडपोर्ट में जो एक टाउन है इंग्लैंड में, वहाँ पे जाते हैं एक जंक शॉप में और एक रोल टॉप डेस्क ख़रीद के आते हैं जो 19th सेंचुरी का होता है, ओक ट्री का बना हुआ होता है और काफ़ी बैड कंडीशन में होता है. उसके जो उसमें काफ़ी बर्नड मार्क्स होते हैं फायर के और वाटर के भी मार्क्स होते हैं. और उसमें से उनको एक लेटर मिलता है जिसमें ये एड्रेस लिखा हुआ होता है, जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट. ओके, टिल हियर वी हैव डन. नाउ लेट अस रीड द सेकंड पार्ट. सी, यहाँ पे दो टीम्स की बात बताई गई है. एक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. एक तो है हमारा ब्रिटिश और दूसरे हैं हमारे जर्मन्स. ओके, अब जो जर्मन्स हैं उनको यहाँ पे फ्रिट्स कहा गया है, उनके जो सोल्जर्स हैं, और ब्रिटिश जो हैं उनके सोल्जर्स को यहाँ पे टॉमी कहा गया है. अब ब्रिटिश के जो पर्सन हैं, जो ऑफिसर इन कमांड हैं, उनका नाम है जिम मैकपर्सन और उनकी वाइफ का नाम है कॉनी. ओके, और जर्मन्स के जो कमांडर इन चीफ हैं, मीन्स आप बोल सकते हो ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर इन कमांड हैं, उनका नाम है हैंस वुल्फ. ओके, सो ये यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है. सो नाउ लेट अस रीड. डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं. ऑथर को उस रोल टॉप डेस्क में से एक लेटर मिलता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है. डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. मतलब जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ कॉनी को ये लेटर लिख रहे हैं कि मुझे तुमको ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन्ड, बिकॉज आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. ठीक है, और मुझसे रहा नहीं जा रहा है तुमको बताने से. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. तो यस्टरडे मॉर्निंग की बात थी और क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. और जो मॉर्निंग थी वो काफ़ी, मतलब एकदम शांत सी मॉर्निंग दिख रही थी. ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, एज आई एवर सीन, मैंने पहली बार देखी होगी. एकदम कोल्ड मॉर्निंग थी, फ्रॉस्टी, मतलब एकदम जहाँ पे आप बोल सकते हो फॉग था, ह्यूमिडिटी थी. क्रिसमस मॉर्निंग थी, जो क्रिसमस मॉर्निंग में हमें जनरली दिखाई पड़ती है, क्योंकि क्रिसमस का जो टाइम होता है वो विंटर टाइमिंग्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का डिस्क्रिप्शन हमें दिया है. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट. मुझे तुमको ये कहना चाहिए कि हमने शुरुआत करी, लेकिन अब हुआ क्या था. बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से इज़ दैट फ्रिट्ज़ बिगैन इट. लेकिन मुझे तुमको ये बताते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है कि हमने स्टार्टिंग नहीं करी. किसने स्टार्टिंग करी? फ्रिट्ज़ ने स्टार्टिंग करी. अब फ्रिट्ज़ कौन है? फ्रिट्ज़ एक्चुअली जर्मन सोल्जर्स हैं और इसका जो हस्बैंड है, कॉनी का जो हस्बैंड है, वो जिम मैकपर्सन है. वो ब्रिटिश सोल्जर्स की टीम के ऑफिसर इन कमांड हैं. फर्स्ट समहाउ सॉ अ वाइट फ्लैग, समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. ट्रेंचेस यानी वो जो डीप ट्रेंचेस होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स छुपते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे ट्रेंचेस कहा जाता है. तो वहाँ पे हमें एक वाइट फ्लैग दूसरी तरफ से वेव करता हुआ नज़र आया. देन देवर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. अब दूसरी तरफ से हमें आवाज़ आती है हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी मीन्स ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है. हैप्पी क्रिसमस मतलब जो जर्मन के सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स को मैरी क्रिसमस विश कर रहे थे. When we had got over the surprise, और हमें एकदम सरप्राइज लगता है क्योंकि दोनों जो टीम्स हैं वो वॉर्स के लिए इकट्ठा हुई होती हैं, लेकिन जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं. सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू. और उसमें से ब्रिटिश में से कुछ सोल्जर्स जो हैं वो वापस शाउट बैक करते हैं सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट.
आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे ऐसा लगा दैट वुड बी दैट, मतलब ये मैटर यहीं पे ही शायद शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. वी ऑल डिड, मतलब इतना ही बस, खाली मैरी क्रिसमस तक ही विशिंग होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. वो अपनी वाइफ को लेटर में ये बता रहे हैं, जिम मैकपर्सन, कॉनी मैकपर्सन को, कॉनी को. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. लेकिन तुरंत मैंने देखा कि फ्रिट्स जो सोल्जर्स हैं, मतलब जर्मन सोल्जर्स हैं, वहाँ से मुझे, मतलब उन्होंने ग्रे कोट, उनका जो यूनिफॉर्म था वो वेयर करा हुआ था, और उन्होंने वाइट फ्लैग का वेविंग करा. वाइट फ्लैग वेविंग मीन्स ये क्या होता है, दिस इज़ द सिम्बॉल फॉर पीस, कि हमें वॉर नहीं करना है, अब हमें शांति चाहिए. डोंट शूट लैड्स, लैड्स का मतलब क्या होता है, यंग बॉय या यंग पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैड्स बोलते हैं. तो जो जर्मन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि तुम शूट मत करो. समवन शाउटेड, किसी ने वहाँ से शाउट करा, एंड नो वन डिड, और हमारे इधर से किसी ने भी शूट नहीं करा. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. अब क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे हमें जो सोल्जर्स हैं वो इकट्ठा होते हुए दिखाई पड़ने लगे. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट. और मैंने तुरंत बोला कि सब लोग अपने जो हेड्स हैं वो नीचे रख दो, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद इनकी ट्रिक हो सकती है. लेकिन वो ट्रिक उनकी नहीं थी, वो रियली में हमें विश कर रहे थे. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड. और मैंने देखा कि एक तो जर्मन जो है वो अपने सिर पे एक बॉटल लेके वेव कर रहा था. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, और वो मुझे कहता है कि ये तो क्रिसमस का डे है, वी हैव शनेप्स. शनेप्स का मतलब होता है, सी इट हैज़ बीन गिवन इन द ग्लॉसरी, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक ऐसी ड्रिंक जो ग्रेन से बनी हुई हो उसको हम शनेप्स बोलते हैं. सो सी वी हैव सॉसेज, और सॉसेज का मतलब होता है, सॉसेज मीन्स सीजनड मीट पीसेस. ठीक है, सीजनड मीट पीसेस मतलब मीट पीसेस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में करके उसके ऊपर सीजनिंग कराया, मतलब उसके ऊपर सारे जो स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ना उसको सॉसेज बोलते हैं. उसके साथ वो लोग क्या ड्रिंक कर रहे थे, शनेप्स ड्रिंक कर रहे हैं, जो ग्रीन का एक ड्रिंक है. वी मीट यू, येस, बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, वो हमारे पास आने लगे, मतलब सब लोग साथ में मिलने लगे, और उनके पास कोई राइफल, कोई गन्स वगैरह भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ वॉट आर वी वेटिंग फॉर. और फिर उसमें से मतलब जर्मन सोल्जर्स की तरफ से एक जो छोटा, मतलब लिटिल प्राइवेट आदमी जो था, छोटा आदमी था जिसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, उसका नाम मॉरिस था, उसने बोला कि चलो हम किसके लिए वेट कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग, और फिर कोई भी स्टॉपिंग वहाँ पे नहीं होता है. आई वॉज द ऑफिसर, और मैं तो वहाँ का ऑफिसर हूँ. जिम मैकपर्सन खुद के बारे में बता रहे हैं. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. मुझे ये सब चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई उनकी चाल भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं. ट्रूथ तो ये है कि मैं स्टॉप कर ही नहीं पाया. All along their line and hours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. और थोड़े ही टाइम में क्या हो गया, ग्रे कोट्स जो उनका यूनिफॉर्म था और खाकी कोट्स जो ब्रिटिश का यूनिफॉर्म था, वो आपस में मिक्स हो गए एकदम मिडल ऑफ द फील्ड में. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उसमें से मैं भी एक था. आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, तो जहाँ पे वॉर का डिसाइड हुआ था वहाँ पे आज कैसी स्थिति थी, पीस था, एकदम शांति थी, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स. जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आइज़ में देखा, उन्होंने अपना हाथ जो है वो हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाया, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि उनका नाम क्या है, हैंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने आप का इंट्रोडक्शन दिया. आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, वो बताते हैं कि मैं डसलडॉर्फ से बिलोंग करता हूँ, और मैं सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लोग बजाते हैं, वहाँ पे मैं सेलो बजाया करता था. हैप्पी क्रिसमस, और मुझे वो ग्रीट करते हैं हैप्पी क्रिसमस. अब सेलो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लार्ज वायोलिन की तरीके से दिखता है. तो वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करते थे, डसलडॉर्फ से बिलोंग करते थे, और मुझे आके उन्होंने मैरी क्रिसमस विश करा. उनका नाम क्या था, हैंस वुल्फ था.
कैप्टन जिम मैकपर्सन, और फिर मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम क्या है, जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने भी मतलब मैंने भी उस उनको हैंस वुल्फ को मैरी क्रिसमस विश करा। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। जिम मैकपर्सन बताते हैं कि मैं तो एक स्कूल टीचर था, सो ऑफिसर इन कमांड बनने से पहले मैं क्या था, स्कूल टीचर था डॉर्सेट में। डॉर्सेट क्या है, एक टाउन है इंग्लैंड में जो वेस्ट साइड में आता है। आ डॉर्सेट ही स्माइल्ड। अब वो स्माइल करके बोलता है, अरे डॉर्सेट आई नो दिस प्लेस, मैं तो इस प्लेस को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, और मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और मैंने यहाँ पे और फिर हम लोगों ने मतलब रम वगैरह शेयर करा, विस्की वगैरह शेयर करी, एंड देन हमने जो सॉसेज बनाए थे वो भी हमने शेयर करा और काफ़ी एक दूसरे से बातें करी। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो काफ़ी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था मेरे साथ। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉर्सेट, नेवर बीन टू इंग्लैंड। लेकिन पता नहीं उसकी इंग्लिश सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आया है और ना तो वो कभी भी इंग्लैंड आया है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। मुझे लगता है कि उसको जितनी भी इंग्लिश आई है वो स्कूल में रह के, ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड मतलब जितनी भी इंग्लिश उसने सीखी है ना वो रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश से सीखी है, बुक्स में से रीडिंग कर करके उसने सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर है वो थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट बुक कौन सी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड अबाउट बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ठीक है, तो हमने ये जो सारे कैरेक्टर्स दिए हैं आपको, बाथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय, ये सारे कैरेक्टर्स हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बुक के, उनके बारे में उन्होंने आपस में बातचीत करी, और डॉर्सेट जो टाउन है उसके बारे में भी आपस में उन्होंने बातचीत करी। अब इसमें से गैब्रियल ओक जो कैरेक्टर है वो मतलब हेवनली कैरेक्टर माने गए हैं, और बाकी जो कैरेक्टर हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इसीलिए उनके बारे में इन दोनों के बीच में बात होती है, हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन के बारे में, जो वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। अब हैंस वुल्फ बता रहे हैं कि उनके एक वाइफ है, एक सन है जो 6 महीने पहले ही अभी बॉर्न हुआ है। एज आई लुक्ड आउट अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अब हर्डल्स का मतलब क्या होता है, हर्डल्स का मतलब जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं ना, जो आपस में एकदम साथ में आ जाते हैं उसको हम हर्डल्स बोलते हैं। हर्डल्स मीन्स स्मॉल ग्रुप्स कमिंग क्लोज टू वन अनदर। तो खाकी और ग्रे कोट्स सारे मिक्स हो चुके थे ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और सब लोग एक साथ हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा पी रहे थे। मतलब वहाँ पे कोई वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। जो तुमने जो क्रिसमस केक बनाया था उसमें जो चीज़ें बाकी थी ना वो हमने वहाँ पे शेयर करी। ही थॉट द मार्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसने मार्जीपन जो है वो तो उसने बेस्ट टेस्ट करा है, मतलब उसने कभी ऐसा मार्जीपन टेस्ट ही नहीं करा। अब मार्जीपन क्या होता है, जो केक होता है ना उसके ऊपर की कवरिंग होती है जो शुगर, एग्स और आलमंड से बनी हुई होती है, उसको हम मार्जीपन बोलते हैं। आई एग्रीड, और मैं भी उस बात से एग्री हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भी मार्जीपन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सारी बात पर एग्री हो गए। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो फिर भी मेरा एक एनिमी था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी भी नहीं देखी है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और मुझे नहीं पता कौन, बट एक वन पर्सन जो है वो फुटबॉल लेके आता है। ग्रेट कोट्स वर डम्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस आउट इन द मिडल ऑफ अ नो मैंस लैंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे मतलब अब दोनों जो टीम्स है वो फुटबॉल खेलने की तैयारी कर रही हैं और अपने गोल पोस्ट की तरफ ध्यान दे रही हैं, डिसाइड कर रही हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। अब हैंस वुल्फ जो हैं और जो जॉन जिम मैकपर्सन है वो चीयरिंग कर रहे हैं, क्लैपिंग हैंड्स तालियां बजा रहे हैं, अपने फीट पे जंप कर रहे हैं, स्टैम्प कर रहे हैं, ताकि जो सुबह सुबह की ठंडी है उससे उनको थोड़ा सा वार्म अप मिल जाए।
वार्म अप हो जाए उनका बॉडी. देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और मैंने देखा कि जो हमारी ब्रीथ्स हैं, हमारी जो मतलब सांस है, ब्रेथ है, वो आपस में एक दूसरे से एयर में घुल मिल गई है. मतलब यहाँ पे इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो आपस में दो टीम जो एनिमीज थी वो आज एकदम फ्रेंडली बिहेव कर रही है क्रिसमस वाले दिन पे. ही सॉ इट टू एंड स्माइल टू जिम मैकपर्सन. ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. और फिर हैंस वुल्फ मेरे सामने देख के स्माइल करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमें इसी तरीके से इस वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. और वो कहते हैं कि हमें एक फुटबॉल मैच ही रखना चाहिए क्योंकि फुटबॉल मैच में किसी की भी डेथ नहीं होगी. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फनेज्ड, कोई भी चिल्ड्रन जो हैं वो पेरेंटलेस नहीं होंगे, उनके फादर या उनके फादर की डेथ नहीं होगी. नो वाइव्स वी विल बिकम विडोज, कोई भी जो वाइफ है वो विडो नहीं बनेगी, विधवा नहीं बनेगी. आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. और मैंने उसको बोला कि मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हम फुटबॉल की जगह अगर क्रिकेट रखें तो देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो फिर हम टॉमी, तो मतलब हम जो ब्रिटिश हैं उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो अगर क्रिकेट का मैच रखा जाएगा तो हम तो श्योरली इस गेम को विन कर ही लेंगे. वी लाफ डेट दैट, और फिर हम इस चीज़ पे हंसने लगे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हमने गेम देखना स्टार्ट करा. सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वन. ओके, और ये बताते हुए मुझे दुख महसूस हो रहा है कि अपनी वाइफ को लिखते हैं लेटर में कि फ्रिट्स जो हैं, मतलब जो जर्मन्स हैं, वो जीत गए 2-1. और 2-1 मतलब हमारा एक ही गोल हुआ, उनके कितने गोल हुए, 2 गोल्स हुए. बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉज क्वाइट फेयर. और वो काफ़ी जनरस थे हैंस वुल्फ, तो वो कहते हैं कि हमारा जो गोल था वो काफ़ी वाइडर था, तो वो मतलब एक समान जैसा ही माना जाएगा. ठीक है. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द शेनेप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. ठीक है, अब गेम ख़त्म हो जाता है और जो शेनेप्स होते हैं, रम होते हैं, रम जो थी जो उन लोगों ने आपस में शेयर करी होती है, सॉसेज जो सीजनड मीट पीसेज हैं, लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. और मैंने फिर उसको विश करा कि जल्दी तुम तुम्हारी फैमिली से मिलो अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. अब ये फाइटिंग बस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए और हम सब अपने घर को रवाना हों. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स. और मैंने फिर ये सोचा कि सारे सोल्जर्स को यही चाहिए होता है ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड. अब हैंस वुल्फ इस लाइन पे कमेंट करते हैं, टेक केयर जिम मैकपर्सन, वो उसे बोलते हैं अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, ऐसा मोमेंट मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, नॉर यू, और शायद तुम भी इस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकते. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और फिर वो मेरे को सैल्यूट करके वहाँ से धीरे धीरे मतलब मेरे से विदा लेते हैं अनविलिंगली, बिना इच्छा के. आई फेल्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जाने की इच्छा नहीं थी बट फिर भी उनको जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे डेवलप हो गए थे. ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. फाइन, ड्रिफ्टिंग बैक मीन्स टू मूव बैक. तो फिर वो मुझसे विदा लेते हैं और फिर वो हंड्रेड ग्रेट, और वो वहाँ से चले जाते हैं और हंड्रेड ऑफ ग्रेट क्रोट्स में वो भी वहाँ पे जाके शामिल हो जाते हैं. ड्रिफ्टिंग बैक मतलब वहीं पे ही वो मूव बैक हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने ट्रेंचेस में. दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और फिर हमने देखा कि डग आउट मतलब होता है एक शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. एक शेल्टर बनाया हुआ ठीक है सोल्जर्स के लिए, जो होल के अंदर डिग करके बनाया जाता है अंडरग्राउंड, और उसको फिर वो लोग कवर कर देते हैं ताकि किसी को भी पता ना लगे कि यहाँ पे सोल्जर्स हैं.
तो वो अपने अपने डगआउट्स में क्या कर रहे थे, सिंग कर रहे थे, अलग अलग सॉन्ग्स सिंग कर रहे थे और काफ़ी ब्यूटीफुली उनकी वॉइस हमें सुनाई दे रही थी. इट वॉज स्टिल नेचर स्टिल नाइट साइलेंट नाइट. ओके, यहाँ पे कैरोल्स का मतलब होता है जो क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं ना उनको हम कैरोल्स बोलते हैं, क्रिसमस सॉन्ग. ओके, तो जो साइलेंट नाइट में वो जो सॉन्ग्स वगैरह सिंग कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब शांति सी महसूस हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था. आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. कोरस मीन्स व्हाट? कोरस का मतलब आपका होगा रिफ्रेन, पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट इज संग आफ्टर ईच वर्स. ठीक है, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड करके तो वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड जो सॉन्ग वो लोग सिंग कर रहे थे उसके पीछे कोरस देना यानी कोई एक वर्स. जो आपने देखा होगा कभी कोई सॉन्ग हम अगर सिंग करते हैं तो उसमें कई लाइंस जो हैं वो रिपीट होती हैं, उसको हम कोरस बोलते हैं. तो वो लोग जो वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड का सॉन्ग गा रहे थे उसमें कई जो वर्सेज हैं वो रिपीट हो रहे थे लास्ट में, तो वो बार बार हम रिपीट कर रहे थे. मतलब आधा सॉन्ग वो गा रहे थे और उसके जो रिपीटेड वर्सेज थे वो हम गा रहे थे. वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल, और फिर हम क्रिसमस सॉन्ग्स को एक्सचेंज कर रहे थे. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर सडनली सब एकदम से चुप हो जाते. वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमने जो टाइम स्पेंड करा वो एकदम शांति से स्पेंड करा और हमारी सारी अच्छी जो फीलिंग्स थी वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करी. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव, और ये इतना अच्छा टाइम था कि मैं हमेशा इसको जिंदगी भर याद रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा. डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमरी. ओके, सो यहाँ पे वो अपनी वाइफ को लिखते हैं कि क्रिसमस जब नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट ईयर भी आएगा तब तक के लिए ये जो वॉर है ये एक डिस्टेंट जैसा रहेगा, एक दूरी जैसी रहेगी और एक टेरिबल मेमरी, काफ़ी एक बहुत ज़्यादा गहरी मेमरी रहेगी मेरे माइंड बेस की. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और ये जो चीज़ें अब तक हुई है इसके बारे में मैं जानता हूँ. ऑल दैट हैपन्ड टूडे, आज जो भी हुआ है इन सब में दोनों आर्मीज़ ने कितनी ज़्यादा पीस के लिए वो लोग एफर्ट्स करे हैं दोनों आर्मीज़ ने. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और हम लोग वापस जल्दी ही मिलेंगे इसके लिए मैं एकदम श्योर हूँ. योर लविंग जिम. तो ये जो लेटर है ये अपनी वाइफ को जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा है, कॉनी को. ओके, सो दिस वॉज अवर पार्ट टू एंडेड हियर. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वीडियो प्रॉपरली. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग पार्ट नंबर 3. टिल देन स्टे ट्यून्ड, शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.